हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जिनके ओपन बुक एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं या कुछ कोर्सेज के जैसे बीकॉम के हो गए हैं, तो उनको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेव करके रखने हैं जब तक उनका रिजल्ट ओबी का नहीं डिक्लेयर हो जाता, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो मेनली आपको तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सेव करके रखने हैं जब तक आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। ये डॉक्यूमेंट्स जो है सभी को सेव करके रखने, चाहे आपने ओबी पोर्टल पे अपलोड की हो अपनी आंसर शीट, या स्टूडेंट डैशबोर्ड में अपलोड की हो, या आपने ईमेल के थ्रू सेंड किया हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेव करके रखने ही हैं। पहला तो है आपकी जो भी आंसर शीट्स है उसको आपको सेव करके रखना है पीडीएफ फॉर्मेट में ही। इसके अलावा जब आप अपनी आंसर शीट्स किसी भी पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो आपको जो कन्फर्मेशन स्क्रीन पर दिखाई देता है उस कन्फर्मेशन का आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, जो कि इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। अगर आप ड्यू के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो इस तरह से कन्फर्मेशन आपको दिखाई देगा। अगर आप एसएल के पोर्टल पर सबमिट कर रहे हैं तो इस तरह से आपका सबमिट लिखा हुआ आएगा, इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। दो चीज़ें तो ये होगी, पहली आपकी आंसर शीट्स और दूसरा आपका स्क्रीनशॉट। इसके अलावा अगर आपके पास कन्फर्मेशन मेल आया है तो उस कन्फर्मेशन मेल को आप या तो सेव करके रखें या उस कन्फर्मेशन मेल का कम से कम आप स्क्रीनशॉट वहाँ पर ले लें। ठीक है, कन्फर्मेशन में बता दूं, आपने अगर ड्यू के पोर्टल पर सबमिट किया तो ही आपको कन्फर्मेशन मेल आएगा, अगर आपने एसओएल के पोर्टल पर सबमिट किया तो आपको कन्फर्मेशन मेल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान ना हो कि मैंने एसओएल के पोर्टल पर सबमिट किया था मेरा कन्फर्मेशन मेल ही नहीं आ रहा, तो एसओएल के पोर्टल पर सबमिट करने पर कन्फर्मेशन मेल नहीं आता। और तीसरी चीज़, इसके अलावा तीन चीज़ें तो ये होगी, आंसर शीट जो सबमिट किया उसका स्क्रीनशॉट और कन्फर्मेशन मेल उसका स्क्रीनशॉट। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आंसर्स जो हैं वो ईमेल के थ्रू सबमिट करी है, उनको जो आंसर शीट उन्होंने ईमेल के थ्रू सबमिट किया है सेंड की है उस ईमेल को भी सेव करके रखना, और उस ईमेल के स्क्रीनशॉट जो है वो भी इनको सेव करके रखना है। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने अपने आंसर जो है ईमेल के थ्रू सेंड किए हैं, इनको रिक्वायरमेंट होगी कम से कम 4 या 5 ऐसे स्क्रीनशॉट्स की जिसमें ये प्रूव कर सकें कि इन्होंने ओबीए पोर्टल और एसओएल पोर्टल दोनों जगह ट्राई किया था और उन दोनों जगहों पर ये अपने आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम आपके पास 4 या 5 स्क्रीनशॉट होने चाहिए, चाहे वो वेबसाइट एरर का हो या इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो, जो भी इशू हो उसके लिए आपके पास कम से कम 4-5 स्क्रीनशॉट सेव होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जिसने ओबीए पोर्टल पर अपलोड किया था तो उसको इस तरह का कोई एविडेंस रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे अपलोड किया है तो भी आपसे ये मांग सकते हैं कि आप कोई एविडेंस दिखाओ जिसमें आप ये बता सको कि आपने जो है ओबी पोर्टल पे अपलोड किया था लेकिन वहाँ पे आप अपलोड नहीं कर पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 घंटे के अंदर अपनी आंसर शीट जो है वो सबमिट नहीं कर पाए थे। ठीक है, उनको अपनी आंसर शीट सबमिट करने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ा था और उस 5वें घंटे में 1 एक्स्ट्रा घंटे में उन्होंने अपनी शीट सबमिट करी थी। ऐसे स्टूडेंट से भी वो ऐसा कुछ एविडेंस मांग सकते हैं कि उन्होंने 4 घंटे के अंदर अपनी आंसर शीट क्यों सबमिट नहीं करी। ठीक है, तो उस स्टूडेंट्स को भी अपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये सारी स्क्रीनशॉट या ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको सेव करके रखने हैं रिजल्ट तक, तो अगर आप पिछला एक्सपीरियंस देखें एसओएल का ओबी से रिलेटेड, तो पिछली बार ओबी हुए थे वो सिर्फ हुए थे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए या जो भी एनुअल मोड के स्टूडेंट्स थे या एक्स स्टूडेंट थे उनके लिए। ठीक है, 1st और 2nd ईयर के हुए थे असाइनमेंट, तो जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके ओबी हुए थे अगस्त के महीने में। ठीक है, और इनका रिजल्ट कब आया हुआ, अज्यूम कीजिए इनका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था दिसंबर के महीने में। ठीक है, इतना टाइम इन्होंने लगा दिया रिजल्ट आने में, इवन जो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट है वो आया था जनवरी के अंदर। अब इतना टाइम इन्होंने लगा के रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट निकालने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके रिजल्ट में दे दिए गए ER, जबकि उन्होंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया था, सारे क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट किए थे या इतने लेवल का अटैम्प्ट किया था कि उनका आराम से उसको पास किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उनकी मार्कशीट में दे दिया गया ER यानी एसेंशियल रिपीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्कशीट में लिख दिया गया AB यानी कि एबसेंट। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 0 ग्रेड वहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी थी, और इन स्टूडेंट्स को जिनकी मार्कशीट्स में ये सारी चीज़ें मेंशन थी उनको बोला गया कि आप अपनी आंसर शीट्स जो हैं दोबारा अपलोड करिए, या जो कोई ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाई जिसमें आप ये दिखा सकें कि हमने अपनी आंसर शीट अपलोड करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको मांगी गई, और इन स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम नहीं था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिनके जो रिजल्ट था जो मार्कशीट थी उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज जो है वहाँ पर देखी गई थी, और इनके केस में जो इन्होंने गलतियाँ की थी आंसर शीट अपलोड करने में
और जो इस बार के स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछली बार स्टूडेंट्स ने इतने ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करी थी, इस बार तो स्टूडेंट्स ने आंसर शीट्स में अपने रोल नंबर भी कई स्टूडेंट्स ने गलत लिख दिया, कई ने दूसरे स्टूडेंट्स का अपलोड कर दिया अपने पोर्टल में, अपना आंसर शीट किसी और के पोर्टल में अपलोड कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 5 घंटे में भी अपलोड नहीं कर पा रहे, तो इस बार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपका रिजल्ट लेट तो होगा। ठीक है, अगर आप रिजल्ट की बात करें तो कम से कम मिनिमम मान के चले आपके 3 महीने के पहले, 3 मंथ्स के पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन उस रिजल्ट में भी आप ये ध्यान रख के चले कि अगर आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास प्रॉपर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो जिससे आप शो कर सके कि आपने अपनी आंसर शीट सबमिट करी थी। उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एविडेंस यहाँ पे होना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स ये शो करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, ताकि जब अगर आपके जो सब्जेक्ट्स ने जो मेहनत की आपने आंसर शीट अपलोड करने में, बेकार ना हो जाए, और आपके जो मार्कशीट है उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है तो आप उसको प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें ना करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उनके साथ आप शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो आंसर शीट है इसको आपको डिलीट नहीं करना है, इन स्क्रीनशॉट्स को आपको संभाल कर रखना है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने जो आपका फाइल एक्सप्लोरर उसमें जाके एक फोल्डर बना ले OB के नाम से। ठीक है, उसमें जितने भी मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट्स थे उन चारों सब्जेक्ट्स के नेम लिख ले, और उस सबके अंदर अपनी PDF स्क्रीनशॉट और जो ईमेल आया कन्फर्मेशन पे या जो भी चीज़ आप स्क्रीनशॉट्स हैं उनको आप फोल्डर में वाइज वहाँ पे सेव करके रखें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा अगर आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, अगर लाइक नहीं भी करना तो कम से कम इसको शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनके साथ बाद में ये प्रॉब्लम ना हो सके। और ऐसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।